जी हेलो एवरीबॉडी। इंडिया और कनाडा की फ्लाइट तो खोल ही दी गई हैं 27 सितंबर 2021 से, पर प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जी ने कल अनाउंसमेंट करी है कि अगर आप एयरलाइन से सफ़र करना चाहते हो या ट्रेन से सफ़र करना चाहते हो तो वैक्सीन लगाई भी होनी चाहिए, तभी आप सफ़र कर सकते हो। तो आने वाले टाइम्स में वैक्सीन पासपोर्ट भी कनाडा में इंट्रोड्यूस होने वाला है, तो वो कंपल्सरी हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो 5 महीने इंडिया और कनाडा की फ़्लाइट बैन रही इस कारण, क्योंकि केस बढ़ गए थे। तो कनाडा जो है काफ़ी सीरियस है कि अपने जो सिटीज़न है उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग, कि आगे केस बढ़े ना कनाडा में। अपने कल ही अनाउंसमेंट करा है कि कनाडा और बिटवीन मोरक्को फ़्लाइट बैन हो गया है, उसे आगे बढ़ा दिया अक्टूबर तक। तो कनाडा काफ़ी कॉन्शियस है अपने सिटीज़न की हेल्थ के रिगार्डिंग। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।